हेलो डियर स्टूडेंट, स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल वेक्टर ऑनलाइन क्लासेस में। तो दोस्तों, ये वीडियो आपका आईटीआई पॉलिटेक्निक पैरामेडिकल और विभिन्न प्रकार के जनरल कंपटीशन के लिए है, जिसमें मैं आपको न्यूमेरिकल्स बताता हूँ जो कि आपका पिछले ईयर में पूछा गया है। किसी भी एग्जाम में, चाहे ग्रुप डी में पूछा गया हो, एनटीपीसी में पूछा गया या आईटीआई का ही प्रीवियस एग्जाम में पूछा गया है, उसे मैं यहाँ पे सॉल्व करता हूँ। लेकिन साथ ही बीच बीच में मैं क्या करता हूँ आपको कि कुछ स्पेसिफिक टॉपिक, जैसे इससे पहले मैंने प्रोजेक्टाइल बताया हुआ है आपको, ठीक है, फिर मैंने एटम्स के बारे में बताया हुआ है, फिर कार्बन रेजिस्टेंस के बारे में बताया हुआ है, बाइनरी नंबर के बारे में बताया हुआ है, और इधर दो तीन दिन पहले मैंने आपको बताया था इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के बारे में। तो बीच बीच में एक एक टॉपिक मैं आपको बताते जा रहा हूँ, जिसको आपको अच्छी तरह से पढ़ना है, और उससे रिलेटेड जो भी ऑब्जेक्टिव मिलेगा आप लूसेंट में पढ़ सकते हैं ऑब्जेक्टिव, या किसी भी तरह का जो दूसरा बुक होगा उसमें आप ऑब्जेक्टिव पढ़ के सारा क्वेश्चन सॉल्व कीजिए, सब क्वेश्चन आपका बन जाएगा, ठीक है। तो आज हम लोग चलते हैं, कुछ ऑब्जेक्टिव देखेंगे, वन लाइनर देखेंगे, उसके बाद दो तीन हम लोग क्या देखेंगे, न्यूमेरिकल्स देखेंगे, क्लियर। तो चलते हैं आज का पहला ऑब्जेक्टिव में। तो देखिए, पहला ऑब्जेक्टिव क्या है आपका, तो बोला जा रहा है किसी परमाणु का आकार होता है, मतलब परमाणु का आकार बताना है कितना होता है। तो याद कीजिए, हम आपको बताए थे अगर मान लें ये कोई परमाणु है, यहाँ पर क्या होगा, उसका कोई नाभिक होगा, ठीक है। तो परमाणु और नाभिक दो गो का साइज, एक का आता 10^-10, एक का आता 10^-15, तो ये होता है, ये होता 10^-10 मीटर, जो क्या होता है परमाणु का साइज होता है, पूरा परमाणु का साइज 10^ क्या होता है 10 मीटर, और जो नाभिक का साइज होता है वो 10^-15 मीटर होता है। अब बोलिए सर ये तो ज्यादा हो गया जबकि ये छोटा है, तो माइनस में है इसलिए छोटा वाला भाग ज्यादा माइनस वाला भाग, ये बड़ा है ये छोटा है, ठीक है, सॉरी ये छोटा है और ये बड़ा है आपका, ठीक है। तो नाभिक का साइज आपका हो जाएगा छोटा, जो क्या होगा 10^-15 मीटर, और जो परमाणु का साइज हो जाएगा 10^-10 मीटर। तो आपको ये कंफ्यूज नहीं करना है कि किसका क्या करे, डायरेक्ट आपको याद रखना है 10^-10 और 10^-15 याद करना है कि नाभिक बड़ा होगा या फिर एटम, तो किसी भी हाल में एटम बड़ा होगा, तो 10^-10 और 10^-15 में कौन बड़ा है, तो ऑब्वियसली है कि माइनस है पावर, इसलिए कम पावर बड़ा क्या होगा, ज्यादा बड़ा होगा। तो 10^-10 हो जाएगा आपका परमाणु का साइज, और 10^-15 किसका हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका नाभिक का साइज, क्लियर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका, अब क्या नाभिक का आकार होता है, नाभिक का आकार देख लीजिए कितना होगा 10^-15 मीटर, ठीक है। अब याद रखिएगा 10^-10 मीटर जो है इसको हम लोग एंगस्ट्रम बोलते हैं, 10^-10 मीटर को एंगस्ट्रम बोलते हैं, और 10^-15 मीटर को फर्मी कहा जाता है, फर्मी क्या कहा जाता है, फर्मी। एक फर्मी का मान कितना होता है, तो एक फर्मी का मान हो गया 10^-15 मीटर हो गया, ठीक है। तो यहाँ पर आपका क्या 10^-15 मीटर, या इसी को हम लोग क्या बोलेंगे, एक फर्मी बोलेंगे, और इसको हम लोग क्या कह सकते हैं, एक एंगस्ट्रम कह सकते हैं हम लोग, क्लियर। तो ये ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट क्या आपका, सोडियम के बाहरी कक्षा में इलेक्ट्रॉन की संख्या होती है। अब आ गया बाह्य कक्षा का इलेक्ट्रॉन, तो क्या बोले थे बाह्य कक्षा का इलेक्ट्रॉन कैसे निकालेंगे, याद नहीं रखना है आपको, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो हम पिछला क्लास में बताए हैं उससे आपको काम करना है। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन याद कीजिए क्या बताए थे, तो सबसे पहले निकालने में आपके पास सोडियम है, सोडियम का परमाणु संख्या है 11, इसको क्या लिखेंगे 1s2 2s2 2p6, देखिए 2 और 2 4 6 10, फिर क्या हो गया 3s1, तो क्या हो गया आपका 11 इलेक्ट्रॉन कंप्लीट हो गया। पहला में हो गया आपका 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरा कक्षा में कितना, पहला में 2, दूसरा में देखिए 2 और 6 कितना हो गया 8, और तीसरा कक्षा में कितना इलेक्ट्रॉन, 1 इलेक्ट्रॉन। तो क्या बोला कि बाहरी कक्षा का इलेक्ट्रॉन, तो बाहरी कक्षा तीसरा है जिसमें कितना इलेक्ट्रॉन, 1 इलेक्ट्रॉन, इसका आंसर क्या हो गया, 1 इलेक्ट्रॉन इसका आंसर हो गया। चलते चौथे नंबर क्वेश्चन की ओर, बोला नाभिक के आकार को मापा जाता है, अभी जस्ट बताए थे फर्मी में, ये क्या हो गया फर्मी में, नाभिक के आकार को किसमें मापते हैं हम लोग, फर्मी में मापते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्या, नाभिक के चारों ओर जिस पथ में इलेक्ट्रॉन चक्कर काटता है उसको क्या कहते हैं, ठीक है। तो बताया गया था आपको हम कि नाभिक के किसी भी, सॉरी यहाँ नाभिक में ही होगा, अच्छा हाँ ठीक है,
यहाँ क्या है नाभिक के चारों ओर हम बताए हुए थे कि ये आपका एटम्स है, ये इसका नाभिक है। नाभिक के चारों ओर वृत्ताकार पथ में जहाँ पर इलेक्ट्रॉन चक्कर काटता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, कक्षा बोलते हैं। तो नाभिक के चारों ओर जिस पथ में इलेक्ट्रॉन चक्कर काटता है उसको हम लोग क्या कहते हैं, सेल, या हम लोग क्या कहते हैं इसी को, कक्षा कहते हैं। क्लियर? नेक्स्ट यहाँ देख लीजिए, जब किसी परमाणु से इलेक्ट्रॉन निकलता है तो किस आयन का निर्माण करता है? तो याद रखिएगा, जब किसी परमाणु से इलेक्ट्रॉन निकलेगा तो इलेक्ट्रॉन क्या आपका नेगेटिव पार्टिकल है, और नेगेटिव पार्टिकल जब निकलेगा तो उस समय क्या होगा, नेगेटिव निकल गया मतलब वो प्लस बन गया, ठीक है, तो धन आयन बन जाएगा। लेकिन अगर कोई इलेक्ट्रॉन आ गया तो वो नेगेटिव को लेकर आया तो वो क्या बनेगा, ऋण आयन बनेगा। तो मतलब जब इलेक्ट्रॉन देगा तो उस समय आपका धन आयन बनेगा, और जब इलेक्ट्रॉन लेगा उस समय क्या बनेगा, ऋण आयन बनेगा। क्लियर? ये हो गया, इसका क्या हो जाएगा, धनायन हो जाएगा इसका आंसर। क्लियर? नेक्स्ट क्या, इलेक्ट्रॉन का प्रतिकरण, याद रखिएगा इलेक्ट्रॉन का प्रतिकरण होता है पॉजिट्रॉन, क्या होता है पॉजिट्रॉन, ये याद रखना है आपको। नेक्स्ट क्या है, कार्बन का परमाणु संख्या 6 है और द्रव्यमान संख्या 12 है, तो इसमें प्रोटॉन की संख्या होगी, ठीक है। क्या क्या बोला है आपको, बोला जा रहा है कार्बन का परमाणु संख्या 6 है, देख लीजिए कार्बन के बारे में बोल रहा है, एटॉमिक नंबर परमाणु संख्या कितना है, 6, और एटॉमिक मास कितना है, 12। तो बोला जा रहा है प्रोटॉन की संख्या, एक ही बात याद रखिए, पिछले दिन में बताए थे इलेक्ट्रॉन का जो संख्या होता है वो प्रोटॉन के संख्या के बराबर होता है, और बराबर होता है आपका एटॉमिक नंबर। तो देखिए एटॉमिक नंबर कितना है, 6, एटॉमिक नंबर बराबर क्या होगा, प्रोटॉन की संख्या बराबर क्या होगा, इलेक्ट्रॉन की संख्या। आपसे पूछा है प्रोटॉन की संख्या, तो यहाँ पर आपका प्रोटॉन की संख्या है क्या होगा, 6 हो जाएगा आपका आंसर। क्लियर? नेक्स्ट चलते हम लोग, पी उपकक्षा में अधिकतम कितने इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं, याद कीजिए हम पिछले दिन जब आपको बताए थे, क्या बताए थे कि आपके पास जो कोई भी परमाणु है, कोई भी एटम है, उसके चारों ओर जिस पथ में इलेक्ट्रॉन चक्कर काटता है उस पथ को हम लोग क्या बोलते हैं, कक्षा बोलते हैं। और कक्षा में जैसे कि मान लीजिए आपका नाभिक है, इसके चारों ओर ये क्या है, कक्षा है। अब सब कक्षा में अलग अलग उप कक्षा होता है, जैसे कि पहला अगर मान लीजिए कक्षा को के, दूसरा को एल, तीसरा को एम, तीसरा को एन बोलते हैं। के कक्षा में एक सबसेल एक उप कक्षा होता है, एल में कितना होता है, एस और पी, एम में कितना होता है, एस पी डी, और एन में क्या क्या होता है, चार उप कक्षा होता है, क्या क्या, एस की डी और एफ, चार उप कक्षा होता है। तो पूछा जा रहा है पी उप कक्षा में, पी उप कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, एस में 2, पी में 6, डी में 10, एफ में 14। तो पी में कितना इलेक्ट्रॉन होगा अधिकतम, 6 इलेक्ट्रॉन, इसका आंसर हो जाएगा आपका 6 इलेक्ट्रॉन। नेक्स्ट एल में कुल कितने, यानी कि कक्षा एल में देखिये, के एल, एल में कितना इलेक्ट्रॉन रहेगा, 6 और 2, 8 इलेक्ट्रॉन, पहला में 2, दूसरा में 8, तीसरा में कितना होगा, सॉरी ऐसे नहीं होगा, कक्षा हम लोग कैसे निकालते, पहला में हो गया 2, कैसे निकालते, 2n स्क्वायर से n का वैल्यू 1, तो ये हो गया 2, जब n का वैल्यू 2, दूसरा उप कक्षा क्या हो जाएगा, 2 दुनी 4 दुनी 8, जब n का वैल्यू 3, 3 तिहाई 9, 9 दुनी 18, और चौथा में 4 चौक 16 दुनी 32, तो 2, 8, 18, 32 इतना क्या होता है इलेक्ट्रॉन का संख्या। तो कक्षा एल में कुल इलेक्ट्रॉन की संख्या कितना होगा, 8, तो पहला में 2 और दूसरा में कितना है, 8, तो इलेक्ट्रॉन का संख्या हो गया 8। अब बोल रहा है कैल्शियम के बाहरी कक्षा में इलेक्ट्रॉन की संख्या निकाले, अब पूछा गया आपका कैल्शियम का बाहरी कक्षा में, तो जिस ऐसा क्वेश्चन जब भी रहेगा किसी परमाणु के बाहरी कक्षा का इलेक्ट्रॉन निकाले, या किसी परमाणु में की संयोजकता क्या है, हम लोग क्या करेंगे, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालेंगे। कैल्शियम का परमाणु संख्या कितना है, 20, तो क्या लिखेंगे, 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, देखिए तो 2 और 4 से 10, 10 2 12, 12 6 18, उसके बाद कितना होता है, 4s2, यही होता है 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2, ठीक है। ये हो गया टोटल आपका कॉन्फ़िगरेशन। तो देखिए तो क्या बोला था इसमें, बाहरी कक्षा, बाहरी कक्षा क्या एस है ना, एस में कितना इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन, इसमें कितना इलेक्ट्रॉन हो जाएगा, तो आपका कैल्शियम का बाहरी कक्षा में हो जाएगा 2 इलेक्ट्रॉन। क्लियर? चलते हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर, 12 नंबर क्वेश्चन की ओर।
देखिए 12 नंबर क्वेश्चन क्या है आपका, बोला गया किसी अज्ञात प्रतिरोध के प्रतिरोधक के सिरों से 12 वोल्ट की बैटरी को संयोजित किया जाता है। कोई अज्ञात प्रतिरोध है, मान लीजिए आर है, इसके सिरे से हम लोग क्या करते हैं 12 वोल्ट का बैटरी जोड़ देते हैं। संयोजित करने पर परिपथ में 2.5 मिली एम्पियर का धारा प्रवाहित हो रहा है। करेंट कितना प्रवाहित हो रहा है इसमें, 2.5 मिली एम्पियर प्रवाहित होता है। तो बोला जा रहा है, तो इस स्थिति में प्रतिरोधक का प्रतिरोध निकाले, मतलब आर आपको निकालने के लिए बोल रहा है। दिया क्या है, आई का मान दिया है 2.5 मिली एम्पियर और वोल्टेज कितना दिया है 12 वोल्ट। सबसे पहले क्या करेंगे, वैल्यू आपका मिली में दिया है, उसको क्या करेंगे एसआई में चेंज करेंगे, तो मिली के लिए क्या हो जाएगा, तो 2.5 × 10⁻³ एम्पियर। तो आई दिया है, भी दिया है, हम लोग जानते हैं चूंकि ओम के नियम से क्या जानते हैं, ओम के नियम से हम लोग क्या जानते हैं, भी बराबर आई आर। आपको क्या बोला आर निकालने के लिए ना, तो आर बराबर क्या हो जाएगा भी बटे आई, भी का मान कितना है 12 वोल्ट और आई कितना दिया है तो 2.5 × 10⁻³। ये पॉइंट राजी हो गया आपका कितना 120। अब 120 को सॉल्व किया 25 से कितना 2500 के 100 बच गया 20, एक आठ जो दशमलव देंगे 200, 25 अठे 200, 10 पे पावर क्या हो जाएगा 3, तो 4.8 × 10⁻³ क्या हो जाएगा 3 ओम, या हम लोग कहें इसको 4.8 किलो ओम, इसको हम लोग कह सकते हैं। क्यों किलो ओम किए, क्योंकि 10 पे पावर 3 को हम लोग क्या लिखेंगे किलो में हम लोग लिख सकते हैं। क्लियर ना, चलते हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर, जो आपका 13 नंबर क्वेश्चन है क्या है, देखिए बोला जा रहा है कि 9 वोल्ट की बैटरी को 0.2 ओम, 0.3 ओम, 0.4 ओम, 0.5 ओम और 12 ओम के प्रतिरोध के साथ श्रेणी क्रम में जोड़ा गया है। देखिए प्रतिरोध आपको दिया हुआ है, देखिए बहुत सारा प्रतिरोध दिया है, 0.2, 0.3, 0.4, 0.5 और 12 ओम, ठीक है। इसके साथ श्रेणी क्रम में 9 वोल्ट का बैटरी जोड़ा गया है, तो सिंपल बोल रहा है कि 12 ओम के प्रतिरोध से कितनी विद्युत धारा प्रवाहित हो रही होगी। आपके दिमाग में चल रहा है यहाँ 12 वोल्ट है, 12 ओम है, ये है, ये बहुत सारा प्रतिरोध है, तो सीधा बात आपको याद रखना है कि अगर श्रेणी क्रम आपका दिया हुआ रहेगा, श्रेणी क्रम में जितना भी ज्यादा या कम प्रतिरोध दिया रहेगा सारे में करेंट का मान समान होगा, जो करेंट इसमें वही करेंट इसमें, वही करेंट इसमें वही करेंट इसमें, यानी सारे में करेंट क्या हो जाएगा सेम हो जाएगा। हम लोग डायरेक्ट चलेंगे ओम के नियम से, ओम के नियम से क्या है सोचिए, तो भी बराबर आई आर, आपको क्या चाहिए आई चाहिए ना, आई इक्वल टू क्या हो जाएगा भी बाई आर। अब आर जो यहाँ क्या है, एक तो आर तो है नहीं, पूरा परिपथ में 1, 2, 3, 4, 5 आर है और सब क्या है श्रेणी क्रम में जुड़ा है, तो श्रेणी क्रम के लिए क्या करेंगे सबको जोड़ देंगे। मान लेते हैं ये आर वन है, ये आर टू है, ये आर थ्री है, ये आर फोर है, ये आर फाइव है, तो भी बटे आर वन प्लस आर टू प्लस आर थ्री प्लस आर फोर प्लस आर फाइव कर देंगे, तो भी का वैल्यू कितना दिया है 9 वोल्ट, तो ऊपर हो गया 9 और नीचे क्या है सबको जोड़ेंगे 0.2, 0.3, 0.4, 0.5 और 12, यही है ना। तो देखिये जोड़ के कितना हो रहा है, तो 2 और 3 5, 5 4 9, 9 4 13, तो मतलब कितना हो गया 1.3 और प्लस कितना हो गया 12, तो कितना हो गया 9, सॉरी एक मिनट, 2 और 3 5, 5 4 9, 9 5 14 1.4 हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा देखिए, तो 12 × 1 13.4 हो गया, हुआ ना। अब सिर्फ आपको भागा देना है, कितना होगा 134 से 90 को भाग देना है, तो भाग दीजिए 90 को, पहले तो आप 2 से कटा दीजिए, 2 से कितना हो जाएगा 6 × 12 और 7 × 14, 2 से हो जाएगा 45, ठीक है 713 नहीं कट रहा है, दशमलव देखिए आ जाएगा 0, कितना हो जाएगा देखिए तो 6 × 7 = 42, 7 बार में नहीं लगेगा, 6 बार लगाइए, तो 6 × 6 = 42 को तो वहां से 4 × 36 = 4 कितना लगेगा 40, बच जाएगा 50, 3 × 0 अब कितना बार लगेगा, अब लग जाएगा 7 बार में, तो 0.67, तो 0.67 क्या निकाल रहे करेंट में, इसका आंसर क्या हो जाएगा एम्पियर में, ठीक है। और पीछे जो आंसर निकाले उसका आंसर किस में होगा ओम में होगा, देखिएगा पीछे जो आंसर बताया उसका शायद हम एम्पियर लिखा दिए हैं, लेकिन उसका आंसर क्या होगा ओम में होगा, क्योंकि वहां क्या निकाला गया है प्रतिरोध निकाला गया है। इस तरह से आपका आई टोटल 13 क्वेश्चन हो गया, जिसमें से 11 क्वेश्चन का आपका ऑब्जेक्टिव है, एमसीक्यू है,
और दो क्वेश्चन क्या है न्यूमेरिकल है। न्यूमेरिकल को अच्छी तरह से देखिएगा, अगर कहीं भी दिक्कत होगा तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता दीजिएगा। क्लियर। तो उम्मीद करते हैं आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया है तो हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लें और वीडियो के लिंक को अपने दोस्तों को व्हाट्सएप, फेसबुक या ट्विटर के माध्यम से शेयर करें ताकि उन्हें भी ये वीडियो मिल सके। ठीक है, तो इसी के साथ आज का सेशन समाप्त करते हैं। धन्यवाद।